हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तो हमने ना आज अपने रिकॉर्ड का आकलन किया और रिकॉर्ड का आकलन करने पर पता लगा कि जो सेकंड डोज है कोवैक्सीन की वो 350 के करीब लाभार्थी हैं जिनकी 10 तारीख को ड्यू हो चुकी है और हमें आज वैक्सीन मिली है। तो मैं इसके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि भी वो सोमवार को अपनी वैक्सीन सेकंड डोज जो कोवैक्सीन की ड्यू है 18 से 44 साल के वो लाभार्थी हैं वो समय पर पहुँच के अपनी सेकंड डोज जरूर लगवाएं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। जहाँ तक सवाल कैंप का है, कैंप हमारा एक हमने अलग अलग जगह पर कैंप लगाए थे, 3 जगह के कैंप हम कवर कर चुके हैं। अब ये वैक्सीन भी जो कोविशील्ड है इसकी सेकंड डोज 14 जून को पूरी होने जा रही है, सेकंड डोज ड्यू हो जाएगी 14 को और हमने आज अपील की है लोगों से कि भी वो 14 तारीख को गांधीनगर के जो लाभार्थी हैं वो गांधीनगर में कैंप लगेगा वहां पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। उत्तम नगर और देवीपुर के जो भी लाभार्थी हैं वो सरकारी अस्पताल में आएं और अपनी सेकंड डोज जरूर लगवाएं। किसी भी जगह अगर इनको दिक्कत आती है तो हमारे जो भी कर्मचारी हैं जो भी वैक्सीनेशन के लिए हर 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक या जब तक लाभार्थियों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मौजूद रहेंगे। गोहाना के सामान्य अस्पताल की बात करें तो सर अब तक क्षेत्र में कितनी वैक्सीनेशन की जा सकती है? हमारा जो CHC गोहाना है इसका जो टारगेट है वो राउंड अबाउट 70,000 के करीब है और 32,000 के करीब हम वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है सर, कब तक ये टारगेट पूरा किया जाएगा? देखो इसके बारे में कहना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये डिपेंड करता है वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के ऊपर और कहते हैं जो लाभार्थी हैं उनकी जागरूकता के ऊपर। हम डेली कैंप लगा रहे हैं, 10 से 4 लगा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी लगा रहे हैं, संडे वाले दिन। वैक्सीनेशन को लेकर अपील सर? वैक्सीनेशन का जहाँ तक अभी वो है कि भाई मुझे कोवैक्सीन है जो अब नियमित मिलनी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, कोवैक्सीन का हमें फिर वो है क्योंकि कुछ लोग कोवैक्सीन के लिए डिमांड करते हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल कहते हैं कि आनी बंद हो चुकी है। उसका हमें एक फायदा ये भी होता है, एक तो लोगों की डिमांड पूरी हो जाती है, दूसरा ये हो जाता है कोवैक्सीन की जो डोज है वो 28 दिन के बाद लगती है तो इससे कवरेज जल्दी होती है। कोवैक्सीन से कवरेज थोड़ी लेट होगी क्योंकि सेकेंड डोज 84 डेज है। जब तक हम 3 अगर कोवैक्सीन से कंपेरिजन करें तो लाभार्थी 3 बार इंजेक्शन के लिए आ चुके हैं। सर आज गोहाना CHC के अंतर्गत एक कैंप था और 2 यहीं पे हॉस्पिटल में कैंप लगाए गए थे, कितनी वैक्सीनेशन हुई है सर? तीनों जगह को मिलाकर के अगर हम निजी स्कूल की बात करें वहाँ पर हमारी जो वैक्सीनेशन है 270 लाभार्थी को तकरीबन लगी है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो वैक्सीन है वो 140 के करीब लगेगी और टोटल मिलाकर के हमें 400 से ज़्यादा कवर कर चुके हैं।